হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ তথাগত মাজা। আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু মাই চ্যানেল বায়রাজ উইথ ব্রাদার। তো আজ হাম ইস ভিডিও পে ডিসকাস করেঙ্গে কি মানে ক্যাসে আপনি ড্রপ ইয়ার মে আপনি পারফরমেন্স কো ইম্প্রুভ কিয়া। তো আই থিঙ্ক আপ লোগো কো পতা হ্যায় কি আভি তো নিট কা রেজাল্ট আ চুকা হ্যায় অর নিট মে মেরা স্কোর আয়া হ্যায় 612 উইথ এ অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক অফ 14,164। তো মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডোমিসাইল কা হুঁ, তো মুঝে কলকাতা মে कोई एक कॉलेज तो मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो इस थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कैसे अपने प्रिपरेशन किया, कैसे अपने जो मिस्टेक है उसको एनालाइज किया और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो मैं इस वीडियो पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले बात तो मैं ये मेरा जो दूसरा जो अटेम्प्ट था यानी 2020 में, तो उस पर मेरा करीब 1,23,000 रैंक आया था। तो पहली बात तो मेरा ये पहला टारगेट था कि वो जो 1,23,000 है उसमें से 1,00,000 को हटा देना, यानी 23,000 के आसपास रैंक करना। लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता गया, मॉक टेस्ट में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता गया, तो मुझे बाद में ये कॉन्फिडेंस तो था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा वेस्ट बंगाल में किसी भी कॉलेज में। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी जब मुझे पूछते थे कि इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो मैं ये तो बोल देता था कि हाँ मेरा सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन हाँ किस कॉलेज में होगा वो मैं बता नहीं पाता था। तो बेसिकली मैंने जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो किया, वो पहला चीज़ है कि मेरे मिस्टेक को एनालाइज़ करना, क्योंकि मिस्टेक को एनालाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मिस्टेक तो करते हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे दे देते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग एग्ज़ाम के जो एक महीने पहले 30, 40, 50 मॉक टेस्ट लिख लिया, लेकिन उसका एनालाइज़ नहीं किया, उसको सिर्फ देखा कि हाँ चलो 600 नहीं, वो कुछ अगर वीक है तो 400, 450 ऐसा स्कोर बना, फिर उसको उठा के रख दिया, उसको एनालाइज़ नहीं किया। तो इससे काम नहीं चलने वाला। मैंने जो पिछले साल जो गलती किया था, पिछले साल भी मैंने ऐसा ही किया था। मैंने कुछ भी जितने भी मॉक टेस्ट दिया, पहली बार तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिया था, और पिछली बार मेरा एक और प्रॉब्लम था कि मैंने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, जो कि नीट जैसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एग्ज़ाम तो पहली बार तो मैंने पिछली बार एनालाइज़ नहीं किया मॉक टेस्ट के बाद, और एनालिसिस तो बिना करने के साथ साथ मेरा क्या होता गया कि कुछ भी चीज़ है, समझो आप वीक हो गया, तो मुझे उसे पता उसका उसके बारे में पता ही नहीं है कि मेरा ये चीज़ वीक हो गया। सोचो आप किसी भी चीज़ को 3-4 महीने पहले पढ़े हो, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तब बन गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो 4 महीने 5 महीने बाद भी आपको याद रह जाएगा एकदम जैसा पहले था। वो आपको रिवाइज़ भी करना है, और रिवाइज़ के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लिखना है, क्योंकि आपको तो अपने आप को फिल्टर में डाल के देखना है कि हाँ चलो याद है या नहीं। तो वो चीज़ मैंने पिछली बार नहीं किया था, इस बार मैंने वो चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। मेरा मेरे पास तीन ऐसे मिस्टेक डायरी थे जिसमें कि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट किए सारे मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस है, और मॉक टेस्ट एनालिसिस मैं ऐसे करता था कि चलो एक मॉक टेस्ट पहले तो 180 क्वेश्चन का बनते थे, अभी न्यू पैटर्न जो आया वो तो बाद में आया, तो पहले जो 180 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट बनते थे तो वो मॉक टेस्ट मैं पूरा देता था। देने के बाद आप सोचो मेरा 550 ऐसा कुछ मार्क्स आया, तो इसका मतलब क्या, बाकी के जो और भी क्वेश्चन है, कुछ नॉट अटेम्प्टेड रहा होगा, कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ होगा, तो वो सारे में एनालाइज़ करता था। और सारे कैसे एनालाइज़ करता था, मैं एकदम पहला वाला क्वेश्चन से शुरू करके 180 में क्वेश्चन सारे एक फिर से अटेम्प्ट नहीं करता था, फिर से मैं जहाँ पे मॉक टेस्ट देता था ऑनलाइन, तो वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होते थे और बायोलॉजी के लिए टेक्स्ट सॉल्यूशन अवेलेबल होते थे, तो मैं बायोलॉजी का टेक्स्ट सॉल्यूशन कुछ कुछ में ऑडियो सॉल्यूशन में मिल जाते थे, मॉक टेस्ट में जनरली ऑडियो सॉल्यूशन ही होते थे, तो सारे जो क्वेश्चन होते थे उनका ऑडियो सॉल्यूशन में सुनता था, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मुझे मिल गया तो उसको मैं उस मिस्टेक बुक में नोट डाउन कर लेता था, और ऐसे ऐसे 1 से 180 पूरा क्वेश्चन, मतलब मैं करीब अगर 3 घंटा सोचो एग्ज़ाम दिया तो 4 से 4.5 घंटा मैं एनालाइज़ करता था, क्योंकि मैं 1 से 180 सारे क्वेश्चन कर लेता था ताकि मेरा पूरा 180 क्वेश्चन अच्छे से रेडी हो जाए, ऐसे मैं करता था। और पूरा होने के बाद मैं अगर पार्ट टेस्ट हुआ तो उस पार्ट में मुझे कौन सा वीक टॉपिक मिला वो उसी के जो उसका सोचो मॉक टेस्ट वन है, मॉक टेस्ट वन का एनालाइज़ किया तो उसके बाद में लिख लिया कि मेरा वीक पॉइंट ये है। तो ऐसे ऐसे करके मैं मेरे वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करता गया, और
आप अगर मेरी बात अगर विश्वास नहीं करोगे कि मैं जो एग्ज़ाम के दो दिन पहले ये जो मेरा मिस्टेक बुक था, तो वो मिस्टेक बुक पूरा रिवाइज़ किया और उससे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन उसका कुछ कॉन्सेप्ट या फिर कुछ तो क्वेश्चन का एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे नीट में कॉमन आए और आपके भी आएंगे, और इससे धीरे धीरे आपका मॉक टेस्ट का स्कोर भी बूस्टअप होता जाएगा। और मैं जनरली इस एनालिसिस में करता क्या था कि बायोलॉजी का एक बायोलॉजी लिखा, तो उसमें जो पॉइंट है जो मैं भूल रहा हूँ उस पॉइंट को एज इट इज़ लिख लिया, और उसके बाद एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है उसको पेज नंबर को भी उसके पास में लिख लिया करता था, ताकि अगर कभी भी सोचो एनसीईआरटी को रिवाइज़ करने का मन किया तो उस पेज को, उस मॉक टेस्ट बुक को देख के, उस मिस्टेक बुक को देख के कुछ जहाँ पे मुझे वीक लग रहा है तो वहाँ पे एकदम पेज में चला गया और रिवाइज़ कर लिया, एकदम पूरा उसको ख़त्म कर लिया। केमिस्ट्री में भी मैं जनरली ऐसे ही करता था, केमिस्ट्री में मैं पेज नंबर नहीं लिखता था क्योंकि केमिस्ट्री में मैं मेरा खुद का नोट्स रेफर करता था, मैं बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। हाँ, इनऑर्गेनिक का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा था और आपका क्लास ट्वेल्थ जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसका भी, लेकिन मैं तो अभी सजेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनिक का पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीसेंट ईयर्स में अभी जो आपका क्वेश्चन बन रहा है ऑर्गेनिक का, तो वो आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है और एनसीईआरटी से ही नेम रिएक्शन वगैरह ये सब पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको कर लेना चाहिए। तो हाँ, और इसके बाद फिजिक्स में मैं क्या करता था कि उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया, वीडियो सॉल्यूशन होता था फिजिक्स में, तो उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया और उस कॉन्सेप्ट को मैं राइट डाउन कर लेता था, और कुछ कुछ क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ लिख लेता था, ताकि उसको वो वाला चीज़ मेरा एक सॉल्वड एग्जाम्पल की तरह बाद में काम आए। तो ऐसे ऐसे करके मैं अच्छे से एनालाइज़ करता गया और ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर भी बूस्टअप होता गया। मुझे आज भी याद है, मैं जब पहला मॉक टेस्ट दिया था, मैं पिछली बार तो नीट में मेरा 459 स्कोर आया था विथ फॉलिंग एन 123,000 अराउंड। तो पहला जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा नीट से भी कम स्कोर आया था, पहला जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था 420 के आसपास मेरा स्कोर आया था, और काफ़ी डिसहार्टेन हुआ था। फिर मैंने ऐसे ऐसे पढ़ता गया और स्कोर इम्प्रूव होता गया, और हाँ, एक समय तो ऐसा आया था कि स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, 580-590 के बाद एकदम स्कोर नहीं बढ़ता था। तो तब भी वही मॉक टेस्ट एनालाइज को और भी मैंने डीप कर दिया, मतलब तब मॉक टेस्ट में करीब 4.5 घंटे से ऐसे एनालाइज कर लेता था। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया, और हालांकि मेरे फाइनल जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था उसमें मेरे 635 आए थे, लेकिन नीट में उससे कम ही आ गया। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें प्रेशर में थोड़ा गलत हो गया, तो वरना तो मेरा वहाँ पे 630 के आसपास बन जाते। चलो कोई बात नहीं, मुझे वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, और मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट यानी सेकेंड ड्रॉप था, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। होपफुली मेरा ये जो मॉक टेस्ट एनालाइज का तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप भी इसको अपने आप जो मॉक टेस्ट है उसमें अप्लाई कीजिए, और अगर आपको अप्लाई करके वो हेल्प मिले तो मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके साथ थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा। चलिए, ये वीडियो आप यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।